तो पिछले दो तीन मैचेस आपके उतने अच्छे नहीं गए थे, तो आज कैसा लगा अच्छा परफॉर्म करके? आज मेरा लीग का जो सीजन 10 का फर्स्ट सुपर 10 था, तो ये हमारी टीम के लिए और मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि टीम भी कि वो भी जीत मिली है और मेरा सुपर 10 है, तो उसको मेरे खुद को कॉन्फिडेंस मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अगला मैच आपका होम टीम के साथ है, हालांकि यूपी की टीम फॉर्म में नहीं चले, तो क्या इस कॉन्फिडेंस को हम नेक्स्ट मैच में देखेंगे और होम कंडीशन उनको क्या यूपी को बेनिफिट करेगी और आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा आगे? देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई यूपी टीम फॉर्म नहीं कर रही, अच्छी टीम है, उसमें प्रदीप है, गिल है और नितेश है, ऐसा कुछ नहीं होता, और वो अभी भी अच्छा खेल रहे हैं पीछे भी, तो ऐसा तो है ही नहीं भाई, वो टीम तो अच्छी है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसकी हम प्लान बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक खेलेंगे। देखिए, उतार चढ़ाव तो गेम के मुताबिक कई बार ऐसे जो प्लान बनाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और जो सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे आज बनाई थी हमने तमिल के साथ बनाई थी, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हम प्लान बनाते हैं उसके ऊपर टीम आ चुकी है, ऑफेंस भी और डिफेंस भी, हमारे तीनों रेडर बराबर का स्कोर दे रहे हैं और ऐसे चारों के चारों डिफेंडर, तो उस प्लान के मुताबिक खेल रहे हैं, तो आज जो हमारा मुकाबला हुआ है, जो मैच हुआ है, उसमें जो प्लान बनाई थी डिफेंस ने और ऑफेंस में, वो बिल्कुल उसी हिसाब से खेले हैं, और हमारी यही आगे से रहेगा कि जो प्लान बनाएंगे, अभी नेक्स्ट मैच हमारा यूपी योद्धा के साथ में है, तो उसी मुताबिक टीम खेले और अगला मैच भी हम अच्छा खेल के विन करें। तो आज क्या डिफरेंट किया टीम ने और टीम के अप्रोच में क्या बेहतर लगा आपको? देखिए, पहले वाले जो मुकाबले में हमारे को डिफेंस में थोड़ी जल्दीबाजी करी थे, उसको हमने ये स्टार्टिंग से हमारी प्लानिंग की थी रुक के खेलेंगे, सामने वाली टीम अच्छे विन हो गया, हरियाणा टीम अच्छी टीम है, तो डिफेंस ने बिल्कुल मैच अपना रोक के तसल्ली से खेले, बीच में का तो बोनस भी गया है, पॉइंट गए उसकी कोई नहीं, लेकिन रेडरो को ट्राई के लिए किया था, तो रेडरो ने तीनों ने ट्राई किया और अच्छा पॉइंट लिया, तो ऑफेंस और डिफेंस दोनों बिल्कुल बहुत अच्छे खेले, और अच्छे खेले तो मैं अच्छे मार्जिन के साथ में मैच को विन किया। यस, देखियो, जो स्टार्टिंग का जो मैच है वो थोड़ा सा टाइट हा चला, बराबर की टीम थी, वो भी अच्छी टीम है, तो उसके मुताबिक मैं जैसे उनके कवर है भाई अच्छे थे, वो भी कॉर्नर भी हैं, अच्छा मैच, सारे मैच अच्छे खेलते वारे हैं, हमारी स्टार्टिंग से ये प्लान थी मैच हम रोक के खेलेंगे, तो उसी हिसाब से तो टाइम लगता है, तो जिसके उस टाइम को पर सचिन ने सुपर टैकल किया, पॉइंट लेके आया, तो हाफ टाइम हमारी 3 पॉइंट की लीड थी, जो प्लान मैक्सिमम बनाई थी अगर भाई हम रुक के खेलेंगे, तो उसके ऊपर टीम खेल ली और अच्छा परफॉर्मेंस किया डिफेंस ने भी और ऑफेंस ने। बोला था नहीं, क्या आपको लगता है अंकित बेटर रिप्लेसमेंट है उनके, या अभी तक जितना प्रदर्शन किया उसमें क्या जिनको आपने खोया ऑक्शन में उनको मिस कर रही है टीम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी से भी बराबर है, उसका थोड़ा ज़्यादा नया था, दो सीजन में अच्छा टैकल कर रहा था और उसकी टीम पूरी सपोर्ट भी कर रही थी, जैसे अंकित अच्छा कर रहा था टीम सपोर्ट कर रही है, वो भी इतना अच्छा खेल के दिखा रहा है, तो ये कबड्डी है, इसमें सभी एक जैसे प्रैक्टिस सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि अंकित करता नहीं है, अंकित में भी सेम क्वालिटी है जैसे साधनों में है, लेकिन उसका एक साथ देना है, अगर टीम ऐसी यूनिटी के साथ खेलेगी तो वो अच्छा ही करेगा। अच्छा प्लेयर है और इसीलिए हम उस पर गए थे, और हमारे साथ काफ़ी टाइम से है वो आर्मी में भी, तो हमें उसके बारे में सारा पता है, इसलिए मनजीत ने आज प्रूफ भी करके दिखाया, अच्छा खेल के दिखाया। पिछली हरियाणा स्टीलर में था, तो पिछले सीजन में भी ये बहुत अच्छा खेला था, और ये सीज़न भी इसका अच्छा जाएगा, हर लोग और अच्छा करके दिखाए और हमारी टीम के लिए अच्छा हो और हम क्वालिफाई करें फाइनल के लिए। हम ये बोल रहे हो कि आज हम एक आउट ऑफ फॉर्म टीम से आ रहे हैं, जो अभी पॉइंट टेबल में टॉप फोर में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अगला मैच जयपुर पिंक पैंथर से जो टॉप टू में बनी हुई है, तो आज की हार से क्या अगले मैच में ज़्यादा दबाव आने वाला है? तो जो 12वें नंबर की टीम है वो ऊपर जाके हरा देती है, आप उससे भी हार जाते हो, तो और जो पनेरी पलटन नंबर 1 पे जा रही हो आप उसको भी हरा लेते हो, है ना? सो कबड्डी में 12 टीमें कम कोई भी नहीं है, आपकी बस वही है कि आप सोचते कैसे हैं उस दिन, आप दूसरे के ऊपर होमवर्क करके आए हैं और उस चीज़ पे नहीं आप खेलोगे तो आप किसी से भी हार सकते हैं और किसी से भी जीत सकते हो, आप जब आप उस चीज़ का हिस्सा रहोगे, एक साथ होकर खेलोगे। जो टॉप है अभी टेबल पे पनेरी पलटन, उसको इस लीग में जिसने हराया वो इन्हीं बच्चों ने उनको पुणे में लेग में हराया,
और जो 6 मैच कंटिन्यू हार के आई है तेलुगु टाइटन, आप उससे मैच हार रहे हो, तो 12 टीमों में मेरे को नहीं लगता कि कोई टीम कमजोर है, लेकिन आप उस दिन कैसा खेलते हो, आपकी सोच क्या है, आपका होमवर्क कैसा है, वो मैंने रखता है।